नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द सुगम। और इस वक्त आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक बड़ी रैली आयोजित की थी भारत के रामलीला मैदान में। इस रैली का नाम था भारत बचाओ रैली। लेकिन आपको बता दें कि रैली में जो हुआ उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस बचाओ रैली लगने लगी है। किस तरह वो हम आपको पूरा बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता देंगे, अगर आपने अभी तक द सुगम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि ऐसी ही तमाम खबरें आपको मिलती रहेगी हमारे द सुगम के माध्यम से। जी हां, अब आपको बताते हैं कि किस तरह से ये कांग्रेस बसाओ रैली लगने लगी है। जब से कांग्रेस ने ये रैली शुरू की है और उसमें भाषणों से ऐसा महसूस होता है कि ये रैली भारत बसाओ नहीं, कांग्रेस बसाओ रैली है। क्योंकि इसमें जो कुछ भी हुआ वो राजनीति से लेन देन था, क्योंकि राहुल गांधी ने पूरे के पूरे आरोप मोदी पर लगाए, दूसरे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी मोदी पर आरोप लगाए, तीसरे सोनिया गांधी ने भी मोदी पर आरोप लगाए, और मोदी पर ही नहीं, मोदी के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह उन पर भी आरोप लगाए। इससे ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस बसाओ रैली है, भारत बसाओ रैली नहीं है। क्योंकि मोदी के कामों से कांग्रेस संतुष्ट नहीं थी और जनता संतुष्ट है, और इससे अब राहुल गांधी को भी लगने लगा है कि जनता अब कांग्रेस से खिसकने लग गई है। और जैसे ही खिसकने लगी तो कांग्रेस ने बड़ी रैली आयोजित की, जिससे कि ये जनता हमारे वापस कांग्रेस पार्टी में आ जाए। आपको बता दें कि यहाँ पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ पर मौजूद थे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, आपको नई नई खबरों से अपडेट रखेंगे और नई नई जानकारियों के साथ आते रहेंगे। बने रहिए द सुगम के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और द सुगम को सब्सक्राइब कीजिए।